मैंने आपको प्रीवियस लेक्चरों में बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है। पॉलिनोमियल्स तीन प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होती है? कितने प्रकार की होती है ये हमारी? ये हमारी तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक या क्यूबिकल। तो लीनियर इक्वेशन हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है? जिसकी डिग्री वन होती है। इसकी डिग्री होती है लीनियर इक्वेशन की हमारी वन, और क्वाड्रेटिक की क्या होती है? डिग्री टू होती है, और क्यूबिक की होती है हमारी डिग्री इक्वल टू थ्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है हमारी? टू, और क्यूबिक की थ्री, और इसी प्रकार लीनियर की हमारी डिग्री वन होती है। जैसे कि इसका क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी इस प्रकार, और इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी प्रकार। यहां पर हो जाएगी ए एक्स की थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। और इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ए क्या है हमारा? नॉन इक्वल जीरो। क्योंकि हमारा अगर ए इक्वल टू हम जीरो मान लेंगे तो हमारे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी हमारी जीरो हो जाएगी। इसीलिए हम इसको होगा हमारा नॉन इक्वल जीरो होगा, जहां बी इक्वल टू हमारा जीरो भी हो सकता है, इसी प्रकार सी इक्वल टू जीरो। अगर हम यहां पर ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी की जगह जीरो रख देंगे प्लस इसी प्रकार सी की जगह जीरो, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी? ए एक्स स्क्वायर। तो हमें बी एड हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी ए एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा? इस प्रकार हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जान लिया इसका। और लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? और क्यूबिकल इक्वेशन हमारी क्या होती है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अगर हमारा ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे? टू, क्योंकि इसकी एक्स स्क्वायर क्या है? टू है। तो इसके नंबर्स भी क्या आएंगे, इसकी वैल्यूज भी हमारी क्या आएंगी? टू, क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल। तो आप स्टूडेंट्स, मेरा आपसे आग्रह, तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे यह आग्रह है कि जब आप लिखे तो उससे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि हमारी जो ये नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो पिछले वाले चैप्टर्स से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हम बांट कर करते हैं इसमें। तो हमारी जैसे कि हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, एग्जांपल क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स प्लस के सिक्स। तो हमारी ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स है तो एक्स लगाएंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस प्रकार हम इनको करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम इसमें लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, हमें क्या करना है इसमें जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या आना चाहिए? सिक्स आना चाहिए, टू इंटू थ्री, और इसी प्रकार इसको हम सेम टू प्लस थ्री तो हमें मिल गया। तो हम इसमें पुट कर देंगे इन वैल्यूज को, माइनस के सम ऑफ रूट्स क्या है? टू प्लस के थ्री एक्स प्लस है तो प्लस लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सिक्स। इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स और माइनस के थ्री एक्स और प्लस के सिक्स। तो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है और इधर क्या कॉमन है, हम वो टर्म कॉमन लेंगे एक्स, और एक्स माइनस टू बचा है यहां पर। इसी प्रकार हम यहां से थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के टू, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा? एक्स माइनस टू, और दूसरा क्या है? एक्स माइनस थ्री। इनके जीरो लगाएंगे, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू। इसी प्रकार एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री। तो ये हमारी दो। इसी प्रकार इसका
दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को. हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि एग्जांपल है हमारा 2x² - k7x + k3 = 0. इस प्रकार हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है. तो हम ये दो आइडेंटिटीज से करेंगे. आइडेंटिटीज आपने 6th, 7th, 8th में पढ़ी होगी. a - b² = क्या होता है? a² + b² - k 2ab. इसी प्रकार a + b² क्या होता है हमारा? a² + b². इन्हीं दो आइडेंटिटीज से करेंगे. तो हम क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो हमारी पहली वाली टर्म है, जो x² वाली टर्म है, इसके जो कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए, वो कुछ और डिजिट नहीं होना चाहिए. तो हम इसे 1 बनाने के लिए क्या कर दें? पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय y2 इन इक्वेशन. इक्वेशन में हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारा? 2 से 2x² - k7x 2 से करेंगे 2 + k 3/2 और इसका 2 0/2. हमें ये नहीं करना है कि कुछ टीचर्स ये बोल देते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें दूसरी साइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है. हम दोनों जो भी हम प्लस करें माइनस करें, हम बोथ साइड इक्वेशन में दोनों साइड ही करते हैं. चाहे हम डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड करते हैं. तो हमारा ये क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल. तो यहां बचा x² - k7/2x + k 3/2 = 0. आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे उसके बाद? जो हमारे ये 7/2 है, क्योंकि 2ab आएगा, तो 2ab बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक तो ये टर्म हो गई हमारी, और दूसरी इस टर्म को क्या कर दे? हाफ कर देंगे. जैसे कि 7/2 तो है, इसको हाफ और करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 मान लेंगे. तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 × 1/2. तो क्या हो जाएगा हमारा? 4. तो इसे इसका हमें फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करें? इनको 7/2 को 7/4 को का स्क्वायर हम प्लस कर दें और दोनों इक्वेशन में माइनस कर दें. ये हमारी इक्वेशन आई, हम इसको हाफ करेंगे. तो हाफ करने के बाद हमारा क्या आया? 7/4. तो 7/4 का हम स्क्वायर जो है प्लस कर दें इसी इक्वेशन में और माइनस कर दें, तो हमारी इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम इसी को करते हैं x² - k 7/2x + k 3/2. ये तो इक्वेशन हमारी थी जो अभी आई है. अब इसी में हमें क्या करना है? 7/4 का स्क्वायर प्लस करना है और 7/4 का स्क्वायर हमें इसी हमारे ये आ गया. तो इसमें हमें फॉर्मूला क्या बनना है? हमें पता है कि यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी? माइनस वाली बनेगी. माइनस वाली आइडेंटिटी क्या है? a - b² = a² - b² - 2ab. तो हम पहले x² है, तो x माइनस है यहां पर, तो माइनस लगाएंगे और यहां से 7/4 लेंगे. ये 3 डिजिट तो हमारी 2 और a के डिजिट, तो ये आ गई. बचा क्या हमारा? +k 3/2 और -k 7/4 का स्क्वायर = 0. तो इसका x - 7/4 का स्क्वायर इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 3/2 और ये क्या हो जाएगा? -k 7 7 = 49 और 4 4 = 16 = 0. और इसका x - k 7/4 ये अभी हमारा ऐसे ही चलेगा, प्लस के एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 16. तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 8 = 16 और 8 3 = 24 -k 49 = 0. तो x - 7/4 का स्क्वायर - k कितना बचा वहां से? 25/16 = 0 और x - k 7/4 + में हो जाएगा और x - 7/4 = क्या हो जाएगा? 25/16. तो हमारी प्लस माइनस रहती है जो अंडर रूट के अंदर होती है, x - k 7/4. ये हमारी वैल्यू किसकी आई? प्लस माइनस की. एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे. -k 7/4 = -k 5/4. x = -k 5/4 और +k 7/4. तो क्या आया? x = 2/4. तो 2 * 2 = 4. तो x = एक वैल्यू क्या आई अपनी? एक वैल्यू आई x = 1/2. इसी प्रकार x की दूसरी वैल्यू x - k 7/4 = 5/4. x - 7/4 = 5/4 और x = 5/4 + k 7/4.
और x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4 और 5 प्लस 7 तो x इक्वल टू 12 अपॉन 4 तो 4 3 जा 12 तो एक वैल्यू हमारी क्या आई x इक्वल। इस प्रकार हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस प्रकार क्वेश्चंस को करेंगे। कोई भी हमें इक्वेशन दी जाएगी तो उसकी मिडिल टर्म को जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम 1 बनाएंगे। अगर जैसे कि यहां पर हमें क्या दिया हुआ था 2x स्क्वायर दिया हुआ था तो उसको 1 बनाएंगे तो 2 से डिवाइड किया। इसी प्रकार अगर 5 दिया है तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट क्या बनाना है 1 बनाना है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे क्या होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो इसी से हम फॉर्मूला बनाते हैं एक्स स्क्वायर टू क्या होता है इसका फॉर्मूला हमारा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। जो हमारी इक्वेशन कोई भी दी होगी जिस प्रकार अभी हमें इक्वेशन दी हुई जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट अगर हमारी वो इक्वेशन अगर हमारी इसकी वैल्यूज नहीं निकलती हैं तो हम इस फॉर्मूला से निकाल के तो इसमें हमें बस इसमें हमारे 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो 3 पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में। जैसे कि कोई भी इक्वेशन लेंगे उसमें हम वैल्यूज रख के निकालेंगे। मैं अभी आपको बता दूं पहले हम 3 पॉइंट है हमारे वो समझ लेते हैं। जैसे कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर हमारा जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से ज्यादा आता है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 डिफरेंट रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 2 डिफरेंट रूट। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल आ जाए 0 के तो क्या होगा तो हमारे 2 इक्वल रूट्स होंगे तो हमारे क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। इसी प्रकार हमारा थर्ड पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन आ जाए 0 जिसमें कि हमारी वैल्यूज किस में आएंगी माइनस में आएंगी जैसे कि माइनस 1 अपॉन 2 या माइनस 1 माइनस 4 इस प्रकार अगर हमारी वैल्यूज आती हैं तो नो रियल रूट्स होंगे वहां पर हमारे क्या होंगे नो रियल रूट्स। तो वहां पर क्या होंगे हमारे नो रियल रूट्स होंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस करेंगे और इसके ऊपर मैं जो हमारा जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 तो ए इसमें हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है हमारी यहाँ पर ए इक्वल टू 1 क्योंकि ए का एक्स का कोफिशियंट 1 है। इसी प्रकार बी को फॉर्मूला में रखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी क्या है हमारी माइनस के बी तो माइनस के 5 अगर यहां माइनस होता तो ऑलरेडी प्लस हो जाता तो प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी क्या है हमारा 6 अपॉन 2a तो ए क्या है 1। इस प्रकार माइनस के 5 तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा माइनस के 5 प्लस अंडर रूट में 5 5 जा 25 और 4 1 जा 4 4 6 जा माइनस के 24 अपॉन के 2 तो हमारा क्या आएगा फिर एक्स की वैल्यू माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बचेगा यहां पर अपॉन 2 तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा माइनस के 5 प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट 1 का अंडर रूट हम करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन 2 तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस के 4 बचेगा अपॉन 2 2 2 जा 4 तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी माइनस के 2। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन है वो आप अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ